मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने प्रदेश प्रवक्ताओं के 5 महीने के कार्यक्रम की समीक्षा की, जिसमें प्रवक्ताओं की समस्याओं को सुना गया। साथ ही डिबेट में किस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग करना चाहिए और किन शब्दों का चयन किया जाना चाहिए, इस पर विचार विमर्श किया गया। कांग्रेस मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने बताया कि रोजाना होने वाली डिबेट में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाए, किन शब्दों का चयन किया जाए और प्रवक्ताओं को डिबेट या बाइट के समय क्या कुछ समस्या आ रही है, इस पर चिंतन मनन किया गया। उन्होंने कहा कि कांतिलाल भूरिया जी के समय जो आचार संहिता बनी थी, प्रवक्ताओं को उसकी एक कॉपी भी दी गई है। हमने पिछले 4-5 महीने सारे प्रवक्ताओं ने हमने मिलकर जो काम किया है उसकी हमने समीक्षा की है और हमें और कैसे बेहतर परफॉर्मेंस करना है उसके बारे में हम सब लोगों ने बैठकर उसमें चिंतन किया है। हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हमें कहाँ और अच्छे क्षमताओं के साथ काम करना चाहिए, सब चीज़ों का हमने आकलन किया है और प्रवक्ताओं ने भी अपनी कठिनाई बताई है और आगे एक हम लोग और अच्छी क्षमताओं के साथ काम करेंगे। मीटिंग में जो भूरिया जी के समय जो आचार संहिता बनी थी प्रवक्ताओं की, उसकी एक कॉपी को भी हम लोगों ने सारे प्रवक्ताओं को दिया है कि डिबेट में हमें अच्छी भाषा का प्रयोग करना है, कंटेंट बेस्ड हमें डिबेट करना है, तथ्यों के आधार पर बोलना है और हमें कोई भी गैर जरूरी बात नहीं करना है। इन तमाम चीजों के चलते हम लोगों ने ये मीटिंग में कुछ फैसले लिए। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, NIRF रैंक फॉर 5 consecutive years। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।